हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के शुरू में से देखा प्रीव्यू में स्टेटस, सो दोस्तों अगर आप इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप इस तरह का जो स्टेटस वीडियो है वो नहीं बना पाएंगे। सो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल बशीर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। सो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस तरह का जो स्टेटस वीडियो है उसको बनाने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। काइनमास्टर एप्लीकेशन की इसको दोस्तों आपने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाकर डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक जो है मैंने वहाँ पर देख कर रखा है, या फिर दोस्तों आप इसको प्ले स्टोर या किसी भी ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर बीच में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से दूसरे वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है, 9.16 वाले रेशियो को। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने वो वाली फ़ोटो को यहाँ पर ऐड करना है जो आप अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। फिलहाल दोस्तों आप 2 से 3 फ़ोटो को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप जो है कितनी फ़ोटो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों आप अपने हिसाब से फ़ोटो को जो है ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपने अपनी फ़ोटो क्लियर पे क्लिक करना और यहाँ ऊपर आपको एक पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल जाता है कैंची के साथ, इस पर आपने क्लिक करना और यहाँ से दोस्तों आपने अपनी दोनों फिंगर की मदद से इस वाली फ़ोटो को यहाँ से खींच कर फिल स्क्रीन कर देना कुछ इस तरह से। और यहाँ बीच में इस यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपने इसको यहाँ से ओके कर देना और ऊपर टिक ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना। और यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी फ़ोटो वाली लेयर पे क्लिक करना और इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेना और ऊपर टिक ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपने लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना और मीडिया के ऑप्शन पे चले जाना। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। वहाँ पर मैंने दोस्तों एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे के रखा है, आपने उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को जो है डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से आपने कैंची के साथ वाले फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने इसको फिल स्क्रीन कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से पीछे चले आना। पीछे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको इनेबल कर देना है और यहाँ नीचे की कलर के ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। की कलर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसके कलर को जो है ग्रीन सेलेक्ट कर लेना और ऊपर टिक ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो स्टेटस है वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों आपने ऊपर फोटो पे क्लिक करना है, फोटो वाली लेयर पे, इसको भी खींच कर दोस्तों आपने एंड तक कर लेना और ऊपर टिक ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपने ओके कर देना। तो दोस्तों अब आपने इसमें जो है साउंड ऐड करना है, सॉन्ग वगैरह को ऐड करने के लिए दोस्तों आपने यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप अपने किसी भी साउंड को यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं करता, तो दोस्तों इसको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों आपने ऊपर इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तीर वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको फुल HD भी कर सकते हैं या फिर HD करके यहाँ से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका स्टेटस वीडियो वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको शुक्रिया।